फिर जाएंगे, संधि है, संधि वाला, संधि पूजा, तो उसके लिए जाएंगे। मम्मी मेरे को भी देना। सो गाइस अभी बज रहा है 12:30 और अब हम लोग घर जा रहे हैं। सारा पूजा हो गया, बाय, गुड नाइट। बलि पूजा भी हो गया और जो दिया भी जला दिया। अब कल नवमी है लास्ट और दसवीं को होगा ना, दसवीं को विसर्जन होगा ना, वही तो बोल रही है, डुबाएंगे, विसर्जन एक ही होता है। हाँ ठीक है, विसर्जन होगा दसवीं को और यहाँ अंधेरा है। हाँ तो दसवीं को विसर्जन है, उसके बाद नवरात्रि खत्म। इतनी जल्दी माता आके चली भी गई है ना, क्या हूँ कर रही है, हाँ, कुछ बोल भी तो बोल इस बार माता रानी घोड़े पर आई है, इस बार माता रानी घोड़े पर आई है, जाएगी और जाएगी डोली में, डोली में, तो इसीलिए थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, वरना अभी तक ठंडी शुरू हो गया होता, क्योंकि अक्टूबर महीना में तो शुरू हो ही जाता है, तो इसीलिए। तो आज है नवमी और आज भंडारा है, हवन है और कन्या पूजा भी है, तो आज सब हो जाएगा, लास्ट है। कल दसवीं है, कल होगा विसर्जन, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहीं पर, कल सिंदूर पूजा है, तो उसके बाद वैसे भी हम लोग ये लेने आए हैं कन्या का सामान, अच्छे से निकाल काला काला इस साइड है, कन्या का सामान लेने आए हैं। Oh, 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 oh
सब थक गए और सब थक गए। इतनी गर्मी थी भाई, हम तो ऐसे पसीने से नहा लिए भाई। भगवान ही बच सकती थी क्या? मेरी मम्मी की तबीयत खराब है वैसे ही पहले से। माता रानी बच सकती थी क्या? और अभी हम घर जा रहे हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। अभी बज रहा है 12:10 हो रहा है, तो हम फिर आएंगे। दोपहर में भंडारा है तो तब आएंगे फिर। और हम कितने बजे निकले थे? 9 बजे आए थे है ना, और अभी बज रहा है 12। पहले पूजा हुआ, फिर कुमारी पूजा हुआ, फिर कन्या का, उसके बाद भगवान का हुआ, और अब हवन, पुष्पांजलि भी हुआ। तो हम सारे पूजा कर लिए और थक गए हम। हमारी हालत देख ही सकते हो, इतनी गर्मी पड़ रही है और धूप तो भाई है कि नहीं। तो अब हम लोग घर जाते हैं, दोपहर में जाएंगे तब मिलता है। तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं, तो बहुत टेस्टी बना है, हर एक चीज बहुत टेस्टी है, सब बन लगा है, सब खा रहे हैं। गाइस खाना बहुत ही टेस्टी था, इतना मेहनत किया मेरे मामा ने सुबह से, उसी में लगे हुए थे वो, तो बहुत टेस्टी बना खाना। और बस उनकी मेहनत का फल हमें मिला। और बस अब जा रहे हैं घर, बज रहा है 4। तो थोड़ा मैं वहाँ मदद कर रही थी मामा का, तो इसलिए 4 बज गया। और बाकी लोग घर चले गए, अब मैं भी घर जा रही हूँ, फिर शाम को पूजा में आना है। और कल दुर्गा माता का सिंदूर पूजा है, 10वीं है कल, और कल दशहरा भी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और मुझे दुख भी है कि माता रानी इतनी जल्दी चली जा रही है, पता ही नहीं चला कि ये 9 दिन कब बीते, लेकिन कोई नहीं, हर साल आएंगी वो। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, शाम को आरती में मिलते हैं। हाय गाइस, शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं आरती में, और आज नवमी का आरती है, उसके बाद कल सिंदूर है और कलश उठाना है, तो कल का व्लॉग अलग आएगा। तो अभी हम चलते हैं वहीं पर। अभी हम लोग आए हैं रेलवे इंस्टीट्यूट, और यहाँ का बहुत अच्छा सजाया है, मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर दुर्गा बहुत ही प्यारा है, तो जहाँ से हम लोग ने दुर्गा लिया था वहीं से यहाँ भी दुर्गा आया है, तो देखते हैं। हमने इंस्टीट्यूट को देख लिया, दुर्गा बहुत अच्छा सजाया उन्होंने। अब हम जा रहे हैं Zone 1 का देखने, और ये देखो दिख रहा है, लाइट जल ही रही है, दिख रही होगी, पास जाके दिखेगी। तो वहाँ जा रहे हैं हम अब, के बाद कहाँ जाएंगे? काली मंदिर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद काली मंदिर जाएंगे। कल आंटी का स्पेशल डे है, कल आंटी का स्पेशल डे है, समझ जाओ क्या है, क्या है, बर्थडे है, और देखो खट्टा चावल इज फेवरेट। तो गाइस हम लोग जाने वाले थे काली मंदिर, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि कल जाएंगे, अब हमारे इसमें ताकत शक्ति नहीं है, तो हम कल जाएंगे। कल वैसे भी दशहरा है, तो काली मंदिर वहीं पास में है, तो वहीं से देख लेंगे। और अब हम घर जा रहे हैं, तो बीच में हमारे नानी लोग मिल गए। हाँ, बीच में हमारी नानी लोग मिल गए, नानी के फ्रेंड्स भी। तो अब हम